देखिए अभी तो नायल ना मियां नवाज शरीफ ही है ना, ये नहीं है। इस तरीके से इन्होंने इलेक्शन करना है और ये चाहते हैं कि यार जो एक्चुअल ताकतवर बंदा है उसको बांध दे और खिलाफ दे दे, तो फिर आप ये कहेंगे कि जी ये इलेक्शन कमीशन पे हमला कर दिया उन्होंने। फिर वो दोनों दोनों को दोनों कह रहे हैं, एक मिनट सुनिएगा, वो दोनों कह रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो आवाम में आने से खौफजदा है। आप लोग कब से सर अपनी बकायदा जो मुहिम है वो शुरू कर रहे हैं, मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब से जलसे शुरू कर रहे हैं? सारी बात सर मैं एक नजर इनसे पूछ लूँ, वो कहते हैं सिंध जो है ना वो एजुकेशन में लीड कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर वहाँ पे काम? मेडिकल में भी वो कह रहे हैं लीड कर रहा है। सर एक महीने में आप अपनी इलेक्शन क्या कर लेंगे अली गौर बलोच साहब? सुनिए तो सही, बाकी जमाते डेढ़ डेढ़ माह से कर रहे हैं। अली गौर बलोच साहब आपने पूरे पंजाब में जलसे करने हैं, आपने केपीके में जलसे करने हैं, सिंध में आपके उम्मीदवार खड़े हैं, वहाँ आप जाएंगे, मुझे बताएं एक माह के अंदर क्या ये सब मुमकिन हो जाएगा? सर नीचे जा रहा है लेकिन ये जो 2 खरब रुपए इस साल का गर्दिशी कर्जा है ये किसको जाएगा? ये इन लोगों को जाएगा बलोच साहब। माजी में भी ऐसा होता रहा है और पिशावर हाईकोर्ट हो या कोई भी हाईकोर्ट, वो दो ही फैसले करेगी ना, या तो इलेक्शन कमीशन के हक में या फिर उनके खिलाफ। अगर अली गौर बलोच साहब वो कह रहे हैं हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? आपको नहीं लगता सारी हमदर्दी तो पीटीआई की तरफ चली जाएगी? सर आप कैसे तोड़ेंगे इस बात इस चीज को? सर इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया? इलेक्शन सबका सबका जो कुछ किया है कारकर्दगी वो सामने आ जाएगी, पता लगेगा उस हवाले से। अली गौर बलोच साहब इस सबके बावजूद देखिए अस्पताल तो कामयाबी से चल रहा है, वहाँ पे लोगों का इलाज तो हो रहा है ना, तो एक अच्छी चीज तो है ये। अल्लाह ना करे लेकिन खुदा के लिए इन अस्पतालों को जो गरीबों को फ्री सर्जरी फ्री ट्रीटमेंट देती है, सबसे महंगी ट्रीटमेंट कैंसर की होती है, आप जैसे लोग उसको जब डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नून लीगी अली गौर बलोच ने जब कहा कि इमरान खान नाअहल हैं इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, इसके बाद पारस जनजेब ने अली गौर की लाइव शो में जो हालत की वो देखने वाली है, और पीटीआई के सेनेटर हुमायूं महमद ने भी अली गौर बलोच पर आज ऐसे हाथ साफ किए कि मज़ा आ गया। आए पहले पारस जनजेब और हुमायूं महमद को सुनते हैं कि इन दोनों ने मिल के अली गौर बलोच का क्या हल किया, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। साहब आपसे ही बात शुरू कर लेते हैं, चूंकि आज तो आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 90% आपके जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेकिन वैसे अभी गुज़िश्ता चंद दिनों पहले तो लग ही रहा था कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलना शुरू हो गई है, जो अदालती फैसले आ रहे थे उसके बाद कुछ सूरत हाल भी कुछ बेहतर होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन आज तो ये बड़े पैमाने पर जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इमरान खान के NA-112 लाहौर और NA-89 मियांवाली दोनों जगह से मुस्तरद हो गए, और ये जुल्फी बुखारी, मुराद सईद, आजम स्वाति, रिहाना डार, कासिम सूरी, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, नईम हैदर पंजौता, अली अमीन गंडापुर और भी कई लोग हैं जिनके मुस्तरद कागजात हो चुके हैं। तो मोहम्मद साहब ये कैसे लड़ेंगे आप लोग इलेक्शन? सर बताता हमें क्या है, हमें बताता ये है कि हमारी जो लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो कारकुन है जो कि इस वक्त प्रेजेंट जो केयर टेकर चेयर टेकर या केक टेकर गवर्नमेंट है उसकी और इलेक्शन कमीशन की, ये लोग जो है ना ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे कि जिस जगह पे जैसे इसहाक डार है और जैसे किसी भी जगह पे उनके कोई इंपॉर्टेंट खड़ा है तो उसके सामने जो भी पीटीआई का बंदा आ रहा है उसको ये लोग डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और दूसरे लफ्जों में उनके कागजात जो है ना वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके इन्होंने इलेक्शन करना है और ये चाहते हैं कि यार जो एक्चुअल ताकतवर बंदा है उसको बांध दे और ये लोग खुद आके दरमियान में आ जाए तो फिर उससे बेहतर था, जिस तरीके से इनको बुलाया गया था। एक मिनट अली हुमायूं मोहम्मद साहब ये बताइए कि इमरान खान अभी तक तो ना अहल है ना, आप लोगों ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो नहीं दिया ना सर, तो आप जब वो ना अहल हैं तो वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं फिर? या आप लोग ये चाहते थे कि जी वो ना अहल हैं इसके बावजूद उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए जाएं, ये कैसे हो सकता है? देखिए अभी तो नाअहल मियां नवाज शरीफ भी है ना, ये नहीं है सर उनकी सजाएं तो खत्म हो चुकी है ना और 5 साल पूरे हो चुके हैं उनकी नाअहली को, नून लीग तो कहती है कि वो ना अहल नहीं है, आपको याद है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी? सजा तो देखिए सजा तो इमरान खान के ऊपर जो कन्विक्शन हुई थी वो तो मौतल हो गई है ना, उनकी उनकी जो जो नाअहली है वो अभी तक बरकरार है सर, फैसला मौतल नहीं हुआ ना, सजा मौतल नहीं हुई, नाअहली तो बरकरार है ना उनकी अभी तक, तो नवाज शरीफ की भी बरकरार है ना, वो अभी तक मौतल तो नहीं है, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद खत्म हो चुकी है नून लीग कहती है। अली गौर बलोच साहब एक तो ये बताइए कि मियां साहब क्या अभी भी ना अहल हैं, एक बात, और दूसरे जो लाडले की बात हुई, कभी ये पाकिस्तान की सियासत जो है ये लाडलों से बाहर भी निकल सकेगी? सर पीटीआई कहती है मियां साहब लाडले हैं, पीएमएलएन कहती है कि इमरान खान जो हैं वो लाडले प्लस हैं, तो कभी ये आवाम भी इस मुल्क की लाडला बन सकेगी या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए पारिस बात यह है कि 2002 के इलेक्शन हुए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे, 2008 के इलेक्शन हुए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे, 2018 के इलेक्शन हुए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। पहले बता दें मियां साहब नए इस वक्त या नहीं है?
देखिए मियां साहब बिल्कुल अहल हैं और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। उनके जो उनके ऊपर केसेस थे उन केसेस से बरी हो गए तो सजा का क्या तुक बनता है ना सर। लेकिन ये डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि उस फैसले के होते हुए वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो अहल हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं वो ना अहल हैं। उस पर लेजिस्लेशन भी मतलब है कि हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को इतराज है तो वो इतराज उठा के किसी मुतलका फॉरम पर जा सकता है, वो भी वजाहत कर देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि मियां साहब अहल है। देखिए सजा तो उस चीज की होती है ना कि जो चीज आप पर साबित हो, जब वो चीज में वो बरी जमा हो गए तो फिर उस सजा का तो वो तो सजा 10 साल की ऑटोमेटिक खत्म हो गई ना। 10 साल थी या ताहयात थी या जो भी थी, वो एक हजिया उड़ाई, वो तो एक अलग बात है। जब वो उन केसेस में ही बरी हो गए तो फिर सजा का तो कोई तुक ही नहीं बनता कि वो सजा रहे। आज ये बड़े वो मतलब है कि जमहूरियत के बड़े वो बन रहे हैं कि जनाब हम बड़ी जमहूरियत के लिए, ये जमहूरियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे। एक तो किसी उन्होंने बयानियां बना दिया है कि हमारे साथ जे अली गौहर बलोच साहब वो कह रहे हैं हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? आपको नहीं लगता सारी हमदर्दी तो पीटीआई की तरफ चली जाएगी सर? आप कैसे तोड़ेंगे इस बात इस चीज को? मुझे मुझे अगर आप अगर आप बात करने से मौका दें तो मैं आपको जवाब। देखिए गुजारिश ये है कि 9 मई की जैसे वाकयात किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए। जिस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ रहे थे, जिस वक्त इनकी सहूलतकारियां हो रही थी, उस वक्त तो ये बड़े बगले बजा बजा के हंसते थे और बड़े बयान दिया करते थे कि जनाब अंपायर की उंगली उठ गई है। और आज जो इनके कागजात, मुझे बताएं जो बंदे है ये इख्तियारी और अदालतों के अंदर पेश नहीं, कागजात अपने जमा नहीं करवाने गए, उनके कागजात कैसे पास हो जाएंगे? उनके ऊपर तो केसेस है, 9 मई के वाकयात है मोस्टली। और इमरान खान खुद उनका सरगुना है उन मतलब है केसेस में, जो सारा जो अदालत के अंदर बैठकर उसने बयान दिया और अदालत से बाहर जाते हुए जो मीडिया से वो किसी से ढकी छुपी हुई है। इसका जवाब जरा मोमन साहब देंगे। मुझे एक बात और मैं आगे चलती हूँ कि आप एक और बात कर रहे हैं, आप कहते हैं पिशावर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो जो बल्ले के निशान वाला है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला है। सर जरा बताएंगे कि ये हमला कैसे इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अकालदम करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर दिया ना। अगर वो पिशावर हाईकोर्ट चले गए तो क्या ये गैर कानूनी हो गया अली गौहर बलोच साहब, जो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी हमला कर दिया? इस पर बुनियादी बात तो ये है, ठीक है ये एक पहली बात तो ये है कि मैं न्यूज में देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी अपील में चला गया। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन एक वो फोरम है जिसके फैसलों को इस तरह से चैलेंज नहीं किया जा, कोई एक हाई कोर्ट नहीं कर सकती। जाहिर है वो एक पूरे पाकिस्तान का इदारा है और वो जो फैसला करता है इस तरह, तो आप सर इलेक्शन कमीशन के तो किसी भी हाई कोर्ट में रुजू किया जा सकता है उस फैसले के हवाले से। और अली गौहर बलोच साहब माजी में भी ऐसा होता रहा है, और पिशावर हाईकोर्ट हो या कोई भी हाईकोर्ट, वो दो ही फैसले करेगी ना, या तो इलेक्शन कमीशन के हक में या फिर उनके खिलाफ। अगर वो खिलाफ दे दे तो फिर आप ये कहेंगे कि जी ये इलेक्शन कमीशन पे हमला कर दिया उन्होंने। एक देखें फैसले तो फिर इस तरह से साकब निसार के जरिए भी करवाए गए थे, फैसले तो उन जजों के जरिए भी करवाए गए थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सिसिलियन माफिया के नाम से पुकारा था। फिर फैसलों को ही अगर फैसले जो अगर एक जज अगर रिश्तेदारियों के बेस के ऊपर फैसले आएंगे और फिर कदम तो लगेगी, बातें तो होंगी, फैसला पता नहीं कितने जजों के रिश्तेदार या पॉलिटिकल पार्टीज पे के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे सर, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगलिया को तो स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए ना, ये किया जा रहा है, ये कोशिश हो रही है। फिर देखें जब 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 ये कहा जाएगा कि एक मुजरिम को जो कि रिमांड के अंदर हो उसको प्राइम मिनिस्टर की मर्सिडीज में बिठाकर अदालत में लाया जाए, जब गुड टू सी यू की बातें की जाएंगी और फिर उसके बाद कहा जाएगा कि बिठाए इनकी गपशप लगवाए, मुलजिम थे ना उस वक्त? नहीं मुलजिम भी थे तो जाहिर है एक बंदे को रिमांड के अंदर तो जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि मंजूर जैसे मिलते मंजूर आपका लगता है ये जो इस दफा का है ये 30 लाख घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली और अभी मईशत को पाऊं पे खड़ा करना ढामरा साहब सबसे बड़ा चैलेंज है, जो बात अभी गौर साहब कर रहे थे सारी बात। सर मैं एक मिनट जरा इनसे पूछ लूं, वो कहते हैं सिंध जो है ना वो एजुकेशन में लीड कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर वहां पे काम? मेडिकल में भी वो कह रहे हैं लीड कर रहा है। देखिए बात ये है कि सिंध के बेशुमार आप रूरल एरिया में चले जाए तो बेशुमार ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर वहां के लोगों ने जिम्मेदारों ने और उन्होंने अपने जानवरों के वो बनाए हुए हैं जो कि कई दफा मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, गोस्ट स्कूल की बात कर रहे हैं। जो अगर हम चंद जगहों पर डिजिटल जो लाइब्रेरीज बना दें और 90% सिंध की आवाम जो है वो बुनियादी तालीम से ही महरूम रहे और उन सहूलतों से महरूम रहे, जिन स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज ना हो, जिन स्कूलों में टॉयलेट ना हो, जिन स्कूलों में पीने के साफ पानी ना हो,
तो फिर ये मसाइल कैसे हल होंगे? देखें, रोल मॉडल सिर्फ मेरे या झामरा साहब के कहने से नहीं, रोल मॉडल वो चीज होती है जिसकी आवाम गवाही दे। इतने क्रेडिट कॉलेज बनाए आपने और पीएमएल एक प्रोजेक्ट बता दे पूरे मुल्क के लिए, वो सीपे सीपे कर रहे हैं, सीपे के लिए जिस शख्स ने कोशिश की उसका नाम आसिफ जरदारी है। पारस जानजेब ने अली गौर बलोच से बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि अवाम में आपकी बहुत ज्यादा मकबूलियत है, जबकि दूसरी तरफ आप पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करवा रहे हैं। अगर आपकी वाकई इतनी ज्यादा मकबूलियत है तो मैदान में आएं और पीटीआई का मुकाबला करें, उनके कागजात मुस्तरद करवा के मैदान को खाली क्यों करना चाहते हैं? हुमायूं अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा कि अवाम में नून लीग जाने के काबिल नहीं है, यही वजह है कि नून लीग वाले ना कोई जलसा कर रहे हैं ना ही अपनी कंपेन का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात का अंदाज़ा है कि अवाम इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और इनके जलसों में अवाम किसी भी सूरत नहीं आएंगे। अली गौर बलोच ने जब कैंसर हॉस्पिटल पर तनकीद की तो पारस जानजेब ने लाइव शो में ही कहा कि कैंसर हॉस्पिटल जैसे इदारे को आप स्कैंडलाइज ना करें, वहाँ गरीब अवाम का मुफ्त इलाज होता है, जिस पर अली गौर बलोच लाइव शो में शर्मिंदा हो गए। नाज़रीन, हकीकत तो यह है कि नून लीग खुद तो अवाम को पिछले 16 माह में किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दे सकी। अलबत्ता जो इमरान खान ने मुफ्त इलाज की सहूलत गरीब अवाम को दे रखी थी, नून लीगियों ने आते ही वो भी ख़त्म कर दी। यही वजह है कि आज अवाम इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और अवाम इस बात का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हों और वो अपने वोट के ज़रिए इनसे बदला लें और अपने पसंदीदा इमरान खान को इकतदार में लाएं। नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।